क्यों दोस्तों, हो गए ना परेशान? बनाना चाहते हैं आप इस तरह की वीडियो? थोड़ा करीब आ। क्यों बनाना चाहते हैं? तो आप इसी वीडियो पे आए हैं। ठीक है जी, अगर आप इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो अपने वीडियो को एंड तक देखना है। आपको फुल ट्यूटोरियल मिलेगा। और कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में आप इजहार कर सकते हैं। अगर आपको समझ में कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह फ़ौरन रिप्लाई दूंगा। और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं जी ट्यूटोरियल की जानिब। ठीक है दोस्तों, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आने के बाद आगे का हमने काम करना है। और काम बिल्कुल ईजी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तभी आप इस वीडियो को देखें एंड तक। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्ट नहीं रखते तो बेशक आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आपका इससे देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो ट्यूटोरियल है, इसे बनाने के लिए आपको दो चीज़ें दरकार होगी। सबसे पहले तो कॉइन मास्टर, जो कि हर किसी के पास होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर चाहिए, जिससे मैं ये स्क्रीन अपनी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मेरे ख्याल में मोबीज़ेन है, तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर ईजिली जाकर दोनों ऐप्स को चेक कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, प्ले स्टोर से आपको ईजिली मिल जाएगी। तो सिंपली मैं कॉइन मास्टर को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ और हमने जो रेशो होगी वो 16:9 करनी है। उसके बाद मैं आपको आगे का सेटअप बताता हूँ। तो इसके लिए आपको दो वीडियो शूट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको अपनी वीडियो शूट करनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको अभी चेक कराता हूँ। तो सबसे पहले हमने जाना है मीडिया में कैमरा से। तो यहाँ पर मेरे पास कैमरा में होगी, तो यहाँ पर मैं नीचे चेक कर लेता हूँ। तो आपकी जहाँ पड़ी हो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मेरे पास वीडियो पड़ी है। तो मैं सिंपली इसे तकरीबन हमें दरकार होगी 20 से 15 सेकंड की। तो मेरे पास ये काफ़ी बढ़िया, तो हम इसे कट पेस्ट कर लेते हैं। तो आपने भी सिंपली यही काम करना है कि जो इसका फजूल हिस्सा वो आपने काट देना है। तो ये देखें, जैसे कि ये मेरा जी स्टार्ट हो रहा है इधर से, तो मैं इसके बैक साइड वाला हिस्सा काटता हूँ। यहाँ पर हमें कैंची नज़र आ रही है, तो सिंपली कैंची पर क्लिक कर देना और यहाँ पर ट्रिम लेफ्ट ऑफ प्ले हेड पर क्लिक कर देना। तो हमारा ये बैक साइड का हिस्सा सारा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। आपने सिंपली फर्स्ट वीडियो इस तरह से बनानी है। तो ये आप देख, जैसे कि ये मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो आपने सिंपली इसी तरीके से एक्टिंग करनी है। हवा में हाथ को हिलाना है, बल्कि ये थोड़ा सा गलत हो चुका है, तो इसे भी हम काट देते हैं। ये भी अननेसेसरी पार्ट है। तो यहाँ से मैं इसे काटता हूँ और ये देख लें आप, ये जी हमारा हो गया जी आगे। और अभी हम हवा में अपने हाथ हिला रहे हैं, जैसे कि आप देखते हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से ध्यान से हाथ लेना, ताकि आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, वो बिल्कुल हाथ आपका सही जगह पे जाके घूमे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी ये बन चुकी है। तो और मैं इसे सामने वाला हिस्सा भी काटता हूँ, ताकि कोई फजूल हिस्सा इसमें ना आए। तो ये हमारे पास 17 सेकंड की बन चुकी है। तो इसके बाद आपने अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करना है और थोड़ा सा मतलब कि अपने फ़ोन पर, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ दूसरी वीडियो भी, कि दूसरी वीडियो पर आपने किस तरह काम करना है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया जी एक, ये वीडियो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड से की थी, तो ये भी मैं आपको चेक करा दूँ कि आपने इस तरीके से करनी है। तो यहाँ प्ले कर रहा हूँ, अभी आप चेक कर लें। ये देखिए, मैंने सिंपली स्क्रीन रिकॉर्ड किया और जैसे मैंने हाथ हवा में हिलाए, बिल्कुल उसी तरह से इधर भी हाथ हिलाए और इधर भी टच किया। तो ये आप देख लें मेरे आपके सामने। तो ये आपने देख लिया, आपने इस तरह से दो वीडियो को शूट करना है। अगर आपको कोई समय ना लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछते, तो मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई दूँगा। तो मैं अभी इसे रिमूव करता हूँ। तो अभी हमने फर्स्ट वीडियो तो अपनी डाल दी मीडिया में, तो अभी हम सेकंड वीडियो को डालेंगे लेयर में। तो लेयर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मीडिया, इसके बाद जो मेरी वीडियो वो एक्सपर्ट में पड़ी है, तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो ये मेरी वीडियो आ गया जी। अभी हमने करना कुछ यूँ है कि ये देख लें बैकग्राउंड में, जहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी आप इसे हाथ लगा कर ऐसे हिला सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये जी अपने थोड़ा सा ध्यान से करना। तो ये मैंने मोबाइल रखा और जैसे ही मैं टच करूंगा तो उसी के साथ साथ ये देखिए, मैं टच करने लगा हूं। और अभी हमने इसे थोड़ा सा छोटा कर देना है, तो जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं और इसके मोबाइल के ऊपर ही रख देता हूं, ताकि कुछ मतलब कि अट्रैक्टिव हो। तो ये देखें, ये जी हमारे पास आ रहे हैं। हमने थोड़ा सा इसे कट पेस्ट करके आगे कर देना। तो अभी आप देखेंगे ये हमारे पास कैसे आ रहे हैं। तो थोड़ा सा और इसे मज़ीद आगे करते हैं, ये देखें। अभी आप देखते हैं ये थोड़ा सा मज़ीद, तो ये थोड़ा सा बारीकी से आपने करना है, आपसे हो जाएगा। मुझसे भी पहले थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, थोड़ा सा मुझसे भी गलत हुआ। तो थोड़ा सा मज़ीद इसे स्क्रॉल करते हैं, ये अभी देखते हैं अभी परफेक्ट आता है या नहीं आता। तो भी परफेक्ट आ रहा है। तो अभी हम सिंपली इसे क्लिक करते हैं, इन एनिमेशन में जाते हैं और यहाँ पर जी करते हैं जी स्लाइड अप। तो ये आगे हमारे पास फेड, तो हमने फेड पर ही रहने देना। तो अभी हम चला के देखते हैं हमारे पास किस तरह का ये इंटरफेस आता है। तो ये आ गया जी। अभी जैसे मैं अपनी
अपनी उंगलियों को हिला रहा हूँ तो ये बिल्कुल उसी तरीके से हिल रहा है, लेकिन हमें वो पीछे वाला बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए छोटा सा काम करना है। तो ये जी, तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि ये एंड एकदम चला जाता है, तो हमने इसे रिमूव करना है ताकि ये आहिस्ता से जाए और इसका जो जाने का इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छा हो। तो हमने यहाँ पे सिंपली और आउट एनिमेशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जी फेड पे क्लिक करते हैं और ये चला गया। तो अभी देखते हैं कि ये कैसा इसका इंटरफेस आता है, तो अभी चला के देखते हैं। बल्कि ये थोड़ा सा मतलब कि जल्दी कि हमने ये नहीं लगाना, हम कोई और लगा के देखते हैं जो मतलब कि इससे सही चले। हाँ ये सही है, तो अभी देखेंगे आप, थोड़ा सा ये गलत हो रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा करता हूँ यहाँ पे क्लिक। तो आपने थोड़ा सा बारीकी से करना है ताकि आपका जो काम है वो बिल्कुल सही से हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत जल्दी तो कर रहा हूँ। तो इन एनिमेशन भी आपने फेड कर देना है और आउट एनिमेशन भी आपने फेड कर देना है। उसके बाद अभी हम वीडियो को चला के देखते हैं कि हमारे पास किस तरह की वीडियो बनी है। तो काम हमारा आज से ज़्यादा हो चुका है, तो थोड़ी बहुत मेरी मिस्टेक हो सकती है, तो आपने इसे इग्नोर करना है, आपने बिल्कुल ध्यान से बनानी है। मैं सिर्फ इसलिए जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना पड़े, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन चुकी है। तो अभी आप देखते हैं कि ये हमारे पास रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये देखिए बैकग्राउंड हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमने सिंपली इस प्लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये आप देखते हैं मेरे पास ये एक ऑप्शन आ रहा है अल्फ़ा ओपेसिटी। तो हमने सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसे कर देना जी 50 या 50 से थोड़ा सा नीचे, बल्कि 50-50 कर देना ताकि दोनों सेम ही नज़र आएँ। तो मैं यहाँ पर 50-50 करता हूँ और अभी आप देखेंगे कि मेरा हाथ बिल्कुल सही से नज़र आएगा। तो अभी हम वीडियो को प्ले करते हैं और आप देखते हैं कि ये किस तरह चाहते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल तरतीब के साथ अच्छे से एडिटिंग करनी है। मैं सिर्फ टाइम की बचत के लिए ये थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा पहले जब मैंने वीडियो बनाई है वो मेरी बिल्कुल अच्छे से बनी है। तो इस तरह से आपने सारा काम करना है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको सब समझ लग गई होगी। अगर कहीं से मुझसे गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको कहीं से समझ ना लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह उसका फौरी तौर पर रिप्लाई दूंगा। और हो सके तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।